अपने को भक्ति की संज्ञा से भूषित करने के लिए सर्वप्रथम भक्ति के प्राकृत स्वरूप का अनुसंधान करना होगा। श्रीमन महाप्रभु ने भक्त प्रवर श्रीपाद रूप गोस्वामी से कहा था कि कृष्ण का अनुशीलन करना ही भक्ति है। अनुशीलन शब्द से निरंतर या अनुक्षण सेवा का बोध होता है। अनुशब्द से पीछे पीछे अर्थात अंतर रहित से है। शील धातु का अर्थ एकांतिक भाव से प्रवृत्त होना है। अनुशीलन दो प्रकार का है, चेष्टा रूप और भावना रूप। कृष्ण के लिए कायिक वाचिक और मानसिक चेष्टा समूह चेष्टा रूप अनुशीलन है। इसके दो भेद हैं, सेवा के अनुकूल कायिक वाचिक और मानसिक अनुशीलन रूप प्रवृत्त्यात्मक और प्रतिकूल वर्जन रूप निवृत्त्यात्मक है। भावना रूप प्रीति विषयक मानसिक अनुशीलन ही भावना रूप अनुशीलन है।